अब मैं एक आपको धनु लग्न की कुंडली बताऊं। धनु लग्न में सूर्य और बुध लग्न में बैठे हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि बुध पे पड़ती है, सप्तम स्थान पे बुध की राशि है। सूर्य और बुध आपस में मित्र है, इसका प्रभाव अच्छा है। बुध की अपने घर पर दृष्टि पड़ती है तो ये शुभ है। अक्सर धनु लगन की कुंडली में दाम्पत्य जीवन इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहां पर जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है ये शुभ है। अब मैं क्या देखता हूं, गुरु की दृष्टि। गुरु की दृष्टि नौमी है, नहीं पड़ रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं पड़ रही। अच्छा, अब मैं देखता हूं मंगल की। मंगल की दृष्टि है 4 7 8, ये भी नहीं पड़ रही। केतु की भी नहीं पड़ रही, शनि की भी नहीं पड़ रही, और राहु की है 5 7 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। बुध में राहु उच्च का हो जाता है तो इसलिए ये भी यहां परेशानी पैदा नहीं कर रहा। अगर धनु लगन में हम देखते हैं तो धनु लगन के अनुसार ये कुंडली अपने आप में शुभ है। इनके दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। अब हम दूसरी कुंडली दिखाते हैं। हम आपको 4 3 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपको देखना जाए। देखिए, सूर्य बुध चंद्रमा, ये मकर लग्न की कुंडली है। और मकर लग्न की कुंडली में इसका और का विषय हो गया, ऐसा सूर्य बुध हो गया, सूर्य बुध चंद्रमा मकर लग्न। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ती है चंद्रमा, तो चंद्रमा और सूर्य यहां पानी और आग का बैर है। चंद्रमा की अपनी ही दृष्टि पड़ रही है अपने घर पे, एका रेशो लिखना पड़ेगा कि किसकी स्थिति क्या पड़ी। तो चंद्रमा की पड़ती है शुभ है, और बुध की पड़ती है सप्तम दृष्टि, और बुध के लिए चंद्रमा अशुभ है। अब हम शुक्र को देखते हैं, ठीक है। शुक्र को, सूर्य को देखा 3 6, अब चंद्र को देखा 1 7 10, ठीक है। और उसके बाद हम मंगल को देखते हैं 2 7 10। मंगल की 8वीं दृष्टि भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है। चंद्रमा मंगल की भी मित्रता है। अब राहु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है सप्तम स्थान पे, तो यहां भी शुभ है, परेशानी नहीं। तो गुरु की 1 2 3 4 5 6, गुरु की काउंट नहीं होती छठी दृष्टि। तो इस दृष्टि को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं मकर लगन वालों के लिए ये ग्रह शुभ हैं। देखो, फिर मैं आपको कहूंगा, किताब का सहारा तो आप सबको लेना ही पड़ेगा। अगर आप किताब का सहारा नहीं लेंगे तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको ये बताया मकर लगन के बारे में, अब मैं आपको बताता हूं मकर लगन के बाद मीन लगन। मीन लगन में देखिए, मीन लगन में हम क्या देखते हैं, इनकी दृष्टियां देखते हैं।
गुरु राहु, सूर्य चंद्र बुध मंगल मीन राशि को देखते हैं, अल्टा पलटी में बड़ी परेशानी आती है। देखिए मीन लग्न के अंदर हम दृष्टि देखते हैं, यहां मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है सप्तम स्थान। इसका मतलब है कन्या राशि मंगल राशि के शत्रु राशि, तो यहां परेशानी का सामना है। दशम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की दृष्टि पड़ती है दसवीं सप्तम भाव में, तो ये भी शुभ नहीं है। अब गुरु की दृष्टि पड़ती है 1 2 3 4 5 नहीं है, और शुक्र की भी नहीं है, बुध की भी नहीं है, तो शनि और मंगल की दृष्टि जब सप्तम भाव में पड़ेगी तो वहां पे अशुभता की स्थिति रहेगी, और ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेगा और उसे एक पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं मिलेगा, उसको इन सब बातों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अगली पे आता हूं। देखिए अगली भी राहु, देखिए अब राहु की सप्तम दृष्टि किस पे पड़ी, सूर्य के। आप लोग सब जानते हैं कुंभ लगन में राहु बैठा है, और सप्तम भाव जो है राहु और सूर्य आपस में शत्रु हैं, बैरी हैं। उधर राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष बन गया, राहु केतु का भी योग बन गया, तो अब आप इसमें देखिए शनि 1 2 3 4 5 नहीं, सूर्य नहीं, मंगल नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल मिला के या राहु की सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण और शत्रु भाव में पड़ने के कारण यहाँ पे इस परिवार का, इस जातक का वैवाहिक जीवन दुखदाई रहेगा। अब मैंने ये जो आपको बताया सप्तम भाव से, ये कितनों को अच्छा लगा, क्या हाथ उठा के बताएंगे मुझे?